मुझे बहुत सारे व्यूवर्स के फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि स्कूल का मुद्दा जो है, स्कूल के फीस का मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है। लॉकडाउन था, लॉकडाउन खुला है, अभी तक स्कूल नहीं खुली है, लेकिन पेरेंट्स फीस से परेशान है और ऐसा भी सुनने में आया है कि फीस बढ़ाई भी जा रही है। मैडम, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है क्या? अगर जानकारी है तो कुछ बता पाएंगी क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने बार बार कहा है आपके साथ भी, जब मैंने दो चार बार ऐसे बाइट्स दिए हैं तब भी कहा, मेरे FB लाइव में भी कहा कि स्कूल फीस नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसा GR है, इस साल कोई भी स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा। कल दो पेरेंट आए थे मेरे पास नारायणा स्कूल से, तो मैंने उनके प्रिंसिपल को फ़ोन करके ये भी कहा था कि देखिए, स्कूल फीस नहीं बढ़ाना ये GR है, आपको भी भेजा गया है, आपको प्रशासन की तरफ से भी आया है, क्योंकि ये GR जैसे ही आया मैंने यहाँ के प्रशासन की तरफ से भी सभी स्कूलों को वो बंटवाने की बात की थी। और कल मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा वो तीन बार सभी को ऐसा GR भेज चुके हैं कि आप स्कूल फीस अभी मांग नहीं सकते, स्कूल फीस माफ़ नहीं हो रही है, लेकिन स्कूल शुरू होने के बाद आप फीस लीजिए। ऐसा हमारे मंत्री जी ने भी खुद अपने लाइव वीडियो में कहा है कि स्कूल शुरू होने के बाद आप जो फीस आपकी बनती है लीजिए, हम कोई फीस माफ़ी नहीं कर रहे, लेकिन फीस आप बाद में लीजिए जब स्कूल चालू हो जाए। दूसरी, इस साल स्कूल फीस में कोई भी हाइक या बढ़ोतरी नहीं करनी है। उसके बावजूद 4-5 स्कूलों के पेरेंट्स ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और कहा कि हमारे यहाँ इस तरह से हाइक हुआ है। कल तो नारायणी स्कूल से दो पेरेंट बाकायदा प्रूफ लेके आए कि उन्होंने डिमांड की है कि अब की 12% हाइक दिस ईयर, विच इज़ रॉन्ग। मैं सभी पेरेंट्स से कहती हूँ, ऐसे कोई भी इश्यूज़ है, मैं फिर कहती हूँ, फीस को बढ़ाना नहीं है और फीस अभी पे नहीं करना है, माफ़ नहीं हो रही है, फीस आपको बाद में पे करना है, लेकिन बाद में भी कर सकते हैं, ये सहूलियत स्कूल ने देनी है। ये जो दो चीज़ों पे अगर कोई स्कूल अमल नहीं करते तो आप बिल्कुल मेरे पास आइए, मैं आपकी मदद करूंगी, उस स्कूल से बात करके कहीं ना कहीं आपको न्याय दिलाने का प्रयत्न मेरी तरफ से ज़रूर रहेगा। लेकिन आप भी जागरूक होके उनको ये GR बताइए कि ये GR है और इसके मुताबिक आप लीगली ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए, इन्होंने एकदम मुझे क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं मिला, इन्होंने सारा चीज़ बोल दिया कि किस तरह से फीस नहीं बढ़ना है, ऐसा GR है, फीस आपको देना ज़रूर है, जो लॉकडाउन के दौरान जो बंद है वो देना ज़रूर है, लेकिन उसके लिए सहूलियत है, जिनके पास पैसे अभी नहीं है वो थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद कोई भी स्कूल आपका फीस बढ़ाता है या फीस के लिए आपको परेशान करता है, तो गीता जैन जी ने साफ साफ कहा है कि आप हमसे मिल सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम जहां तक हो सकेगा उसमें आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।